दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस नोट सी फोर वर्सेज मोटोरोला एज 50 प्रो के बारे में। करेंगे दोनों का फुल कंपैरिजन और बताएंगे कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, वन प्लस नोट सी फोर और मोटोरोला एज 50 प्रो दोनों स्मार्टफोन अंडर 30,000 में वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हैं। अगर दोनों के प्राइस की बात करें तो वन प्लस नोट सी फोर आपको 24,999 में देखने को मिलता है और ऑफर लगाने के बाद ये आपको 23,499 में मिल सकता है। और मोटोरोला एज 50 प्रो की बात करें तो ये आपको 29,999 में देखने को मिलता है और ऑफ़र लगाने के बाद ये आपको 27,999 में मिल सकता है। तो दोस्तों, दोनों के प्राइस में 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। अब दोस्तों, दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वन प्लस नोट सी फोर में आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1100 नीट्स तक जाती है। और मोटोरोला एज 50 प्रो में आपको 6.7 इंच की 1.5K OLED कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और इसकी पीक ब्राइटनेस 2000 नीट्स तक जाती है। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में क्लियरली मोटोरोला एज 50 प्रो बाजी मार जाता है। दोस्तों, डिस्प्ले मोटोरोला एज 50 प्रो की बढ़िया है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि मोटोरोला एज 50 प्रो वन प्लस नोट सी फोर से 5,000 रुपीज़ महंगा है और वन प्लस नोट सी फोर की डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया है प्राइस के हिसाब से। दोस्तों, वन प्लस नोट सी फोर में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 4nm TSMC फेब्रिकेशन है। इट्स ए वेरी पावर इफिशेंट प्रोसेसर और आपको इसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज। इसमें LPDDR4X रैम टाइप मिलती है और USF3.1 स्टोरेज टाइप मिलती है। और मोटोरोला में भी आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज और 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज। और इसमें आपको LPDDR4X रैम टाइप मिलती है और USF2.2 स्टोरेज टाइप है। तो दोस्तों, प्रोसेसर दोनों के सेम हैं, लेकिन वन प्लस नोट सी फोर में आपको USF3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। तो दोस्तों, इस मामले में वन प्लस आगे निकल जाता है। दोस्तों, वन प्लस में आपको 5,500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 100W की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है और मोटोरोला एज 50 प्रो में आपको 4,500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि हाई वेरिएंट के साथ 125W की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है और इसमें आपको 50W की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों दोनों की बैटरी का कंपैरिजन करें तो वन प्लस की बैटरी ज़्यादा चलेगी क्योंकि वन प्लस में 5,500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और मोटोरोला में 4,500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। मोटोरोला की बैटरी थोड़ी कम चलेगी और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन मोटोरोला में आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है और वन प्लस में आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको वायरलेस चार्जिंग चाहिए तो आपको 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे मोटोरोला एज 50 प्रो को बाय करने के लिए। अब दोस्तों, कैमरा की बात करें तो वन प्लस में आपको 2 सेंसर्स देखने को मिलते हैं, एक प्राइमरी सेंसर और एक अल्ट्रा वाइड सेंसर। प्राइमरी सेंसर आपको 50 MP का देखने को मिलता है और अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको 8 MP का देखने को मिलता है और 16 MP का आपको सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है। और मोटोरोला की बात करें तो इसमें आपको 3 सेंसर देखने को मिलते हैं, प्राइमरी सेंसर 50 MP का, अल्ट्रा वाइड प्लस माइक्रो सेंसर 13 MP का और 3x टेलीफोटो 10 MP का और 50 MP का सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, दोनों फ़ोन के ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन की बात करें तो मोटोरोला एज 50 प्रो स्लाइटली बेटर है वन प्लस नोट सी फोर से, ज़्यादा बेटर नहीं है। वन प्लस में भी कमाल की फ़ोटोज़ आती हैं,
लेकिन कहीं कहीं मोटरोला एज 50 प्रो बेटर है वन प्लस नोट सी ई 4 से। तो दोस्तों अगर दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो मेरे हिसाब से वन प्लस नोट सी ई 4 ज़्यादा वैल्यू फॉर स्मार्टफोन है, लेकिन अगर आप 5000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो आप मोटरोला एज 50 प्रो भी ले सकते हो। मोटरोला एज 50 प्रो में आपको डिस्प्ले बेटर देखने को मिलती है और स्लाइटली कैमरा बेटर देखने को मिलता है और NFC का सपोर्ट भी मिलता है। वन प्लस में आपको बैटरी बढ़िया देखने को मिलती है और वैल्यू के हिसाब से सारी स्पेसिफिकेशन बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से वन प्लस नॉर्ड सी ई 4 अपने प्राइस को वर्थ करता है, मोटरोला थोड़ा सा ओवर प्राइस है। तो दोस्तों ये था दोनों फ़ोन्स का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ।